सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं संजीत कुमार नंची हूँ जी, छपरा स्वर्णकार सकर सचिव हूँ। अच्छा, ये जो घटना जो हुआ है रोजा में, तीन युवकों ने मिलकर एक नाबालिग बच्ची से जो जघन्य अपराध किया है, और उस बात को कहने में भी हमको शर्म आ रहा है पूछने में भी, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इस पर आपका क्या मतलब कि स्टेटमेंट है, आप क्या चाहते हैं, प्रशासन के तरफ से आपको क्या चाहिए और प्रशासन अभी तक क्या कर रहा है? मैं तो आश्चर्य हूँ कि इस तरह की घटना हमारे छपरा और वो भी रौजा में घटी है जी, जहाँ ऐतिहासिक बहुत तरह की कहानी है। लोग कहता है कि यहाँ का लोग बहुत एकजुट होता है। अच्छा, लेकिन आज इस पूरे गाँव पर ये धब्बा लगा हुआ है और ये पूरे गाँव की बेटी के साथ बलात्कार है, और गांव चुपचाप बैठा हुआ है, सोया हुआ है। गांव के घर से अगर एक एक लोग निकले तो कम से कम यहाँ 10,000 संख्या हो जाएगा। और थाना पर प्रेशर, मेन अभियुक्त जो है, जो आईटीबीपी का फोर्स है, और वो अभी फरार है, और प्रशासन हाथ पे हाथ धरी हुई है। और हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसको फांसी की सजा दिलाई जाए और उस लड़की को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए जी। अगर गिरफ्तारी में लेट होता है तो आप मतलब कि आप लोग क्या आगे का क्या सोचे हैं? अगर गिरफ्तारी में प्रशासन थोड़ा सा भी लेट करती है तो पूरा स्वर्णकार समाज, पूरा छपरावासी मिलकर धरना प्रदर्शन, उसके बाद भी नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन उस अभियुक्त को बचने नहीं देंगे, और मोदी जी तक भी बात फैलाएंगे कि उसकी नौकरी जो आईटीबीपी में कर रहा है उसकी नौकरी को भी छीना जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो तो प्रशासनिक आदमी है, वो तो खुद पालन रक्षक है, और रक्षक होते हुए भी भक्षक का काम किया है। रक्षक जब एक भक्षक बनता है तो समाज सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरी बेटियां घर से बाहर कैसे निकलेंगी। जो सुरक्षा करने वाला ही उसके जिस्म को लूटेगा तो क्या होगा, आप बताइए। और यह मैं तो शर्मिंदा हूँ कि आज मोहल्लावासी चुप बैठे हुए हैं। कल से कल की घटना है, और हमें मैसेज दिल्ली से मिला है कि आप लोग एक संगठन चलाते हैं और